माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज शिक्षा मित्रों के वेतन वृद्धि से संबंधित केस जो है कोर्ट नंबर 6 में आइटम नंबर 67 पे लगा था, जिसको माननीय कोर्ट ने आज कुछ समय तक सुनवाई किया और कल के लिए जो है सिंपल एडजर्न कर दिया गया है। इसी बीच में हमारे एक साथी ने कहा कि आइए हमने फाइल किया है, तो उस फाइलिंग को अलाउ उन्होंने कर दिया। मैं शिक्षा मित्रों से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की किसी अफवाहों में न आए, केवल और केवल जो लोग साथी याची बन गए हैं उनका जो शुल्क बाकी है वो भी दे दें, ताकि हम अच्छा अधिवक्ता करके पहले इस केस को जीत लिए जाए। मैं किसी के विरोध नहीं बोलता हूँ, न लिखता हूँ, केवल और केवल शुरू से 2 जुलाई से लेकर आज तक मैंने शिक्षा मित्रों को सही बात बताने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि उसमें मैं 1% से भी कम बोल पाया। जिस दिन मेरा शिक्षा मित्र जग जाएगा, उस दिन अपनी लड़ाई को पूरी कोर्ट में लड़ने के लिए बहुत ही जीतेगा। यह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली बार आपके शिक्षा मित्रों के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि आपका नाम, पिता का नाम, आपका स्नातक का नंबर, आपका DPTC का नंबर पता केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, आपके डायरेक्टर बेसिक को सबको जा रही है। आप लोग किसी प्रकार की अफवाह में न रहें। जो लोग याची बने हैं उनको भी सुना जाएगा, हमारे जो भोला प्रसाद शुक्ला उनके अधिवक्ता को सुना जाएगा। तो किसी जो कोई कह रहा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सब लोग सुप्रीम कोर्ट रूल्स को पढ़ें और अपने जो क्षेत्र के जो अधिवक्ता हैं उनकी बातों को माने। अपने व्हाट्सअप फेसबुक पे चल रही बातों पर विश्वास मत करो, अपने पर विश्वास करो, अपने घर से निकलो और संघर्ष करने की आदत डालो। गौरव यादव, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। बाकी बात सभी बताएंगे। मित्रों, मैं 1,24,000 का सच्चा हितैषी आज मैं कोर्ट का पास बनवा कर सबसे पहले कोर्ट में उपस्थित रहा। मित्रों, 1 मिनट सुनवाई हुई है, जो कोर्ट का रुख है आज एक IA पड़ा है, उसी कारण कल डेट लग गई है। कल शिक्षा मित्रों के नाम एक इतिहास रचा जाएगा। हो सकता है कि याची ही लाभ मिले, क्योंकि बार बार जो IA पढ़ रही हैं उसको जब माननीय जज महोदय ने कहा, मैं सुनूंगा और उसमें डिसीजन दूंगा। धन्यवाद। 1,24,000 का सच्चा हितैषी संदीप कुमार।